हेलो दोस्तों, पंकज मगन में आप सभी का स्वागत है। लगभग हम 13 तारीख को विश्वविद्यालय से निकले हुए थे और कहीं ना कहीं अभी हम जहां हैं नवादा डिस्ट्रिक्ट के वारसलीगंज में हैं और यहीं पे मेरा फूफा मतलब फकीर बाबा में ही शादी था, फुफेरी बहन की बेटी का और एक फुफेरे भाई का। तो कहीं ना कहीं शादी सम्पन्न हो गया है सभी सही से और लगभग 14 दिन विश्वविद्यालय से क्लास भी मिस हो रहा है और कहीं ना बहुत सारे छात्र को अपडेट भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इतना शेड्यूल बिजी था कि कहाँ नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं आज विश्वविद्यालय की ओर निकल रहे हैं और बहुत सारे छात्र मुझे नवादा में मिले, बहुत बहुत जगह में प्लेस में मिले यहाँ से, क्योंकि 14 दिन के अंदर मैं बहुत सारे गाँव घूमा, ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि इतना बिजी थे और पूछे नहीं। बाकी बर्मा में भी बहुत सारे लोग मुझे मिले, मगध विश्वविद्यालय के छात्र, और जैसा कि मेरे कुछ रिलेटिव भी मिले, जो मेरे भाई भी कुछ थे, दो तीन ऐसे थे जो परेशान थे, मुझे जानते नहीं थे, कहने का मतलब जानते थे वो नहीं जानते थे कि ये मगध विश्वविद्यालय में रहता है और कहीं ना कहीं इस बैग में उनका दो तीन डिग्री रखा हुआ है। बोले पंकज भैया लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है, अभी जस्ट हम अप्लाई किए हैं और नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं इनका भी डिग्री मैं ले जा रहा हूँ। और क्योंकि जब वहाँ रहना है तो कोई अपने फैमिली मेंबर हैं तो सबका भलाई करते हैं, तो इनका नेशा सही है कि भलाई करना चाहिए क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर भी हैं। और ये बोले हैं कि ठीक है पंकज भाई, जो होगा उनको दे लेके किसी की तरह जल्दी से करवा दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आज हम यहाँ पर निकल रहे हैं और देखिए विश्वविद्यालय 4:30 बजे तो ट्रेन है यहाँ से और विश्वविद्यालय पहुँचेंगे लगभग 9 बजे रात को। उसके बाद आप सभी को कल से इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और जो भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं वीडियो को, कहीं ना कहीं रिजल्ट 19-22 का रिजल्ट बीकॉम का आया हुआ है और कल जाके ही, कल नहीं परसों आपको पता करेंगे क्या सिस्टम चल रहा है और कहीं ना कहीं कुछ जैसा भी आपको अपडेट होता है तो बताएंगे। अभी लगभग 4:10 हुआ है, 4:20 में ट्रेन है। ठीक, तो चलिए चलते हैं और फिर आप सब बने रहिएगा और नए लोग हैं जितने भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट पूरा ज़ोर शोर से कीजिए, तभी आपको मेरी तरफ से ऊर्जावान आता है। बस आज के बाद ब्लॉग कभी नहीं रुकेगा, बेफिक्र रहिए, आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो यही है स्टेशन जो आप बहुत सारे पक्की बर्मा वाले या वारसलीगंज नवादा वाले होंगे तो जानते ही होंगे, तो क्योंकि बहुत दिनों के बाद मौका मिला था फैमिली मेंबर के पास, ऐसे लगभग 3-4 साल हो गए क्योंकि फूफे भाई की शादी में आए थे, उसके बाद कम चांस होता है फैमिली के पास रुकना, बट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मिस यू ऑल फैमिली, बट चलते हैं, आप सब आइए, कल मिलते हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए।